वेलकम बैक दोस्तों। और अब मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ दोस्तों, अपनी बहुत प्यारी दोस्त, उसके अलावा और फ्यूचर वर्ल्ड फाउंडेशन की मेंबर और साथ में ट्रेनर महम बानो नाजिया से, और उनको दावत देते हैं अपने स्टूडियो में। आइए नाजिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे अपने शो पे इन्वाइट करने के लिए, और आई वुड से हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कि हम सब आपस में अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें और उसमें अमन और सुकून ला सकें और पीस कीपर बन जाएं। yes. ये बहुत जरूरी है। डेफिनेट। अच्छा नाजिया, हम जो है चूंकि पहले तो नाजरीन को जो है मैं बताना चाहूंगी, एक्चुअली हम जो नामों के इफेक्ट की बात करते हैं ये जिंदगी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो महम आपके साथ है। महम का बचपन का नाम जो है वो नाजिया है और मैं इनको चूंकि बचपन से जानती हूँ तो इसलिए मैं इनको नाजिया के नाम से भी जानती हूँ, लेकिन महम ने महसूस किया कि उस नाम के कुछ अच्छे असरात जो थे वो नहीं थे इनकी जात के ऊपर, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। तो बहुत दफा ये जो कॉन्ट्रोवर्सी आपको नजर आएगी ना पूरे प्रोग्राम में, कभी नाजिया महम नाजिया, तो वो आप समझ जाएगा कि वो वजह क्या है। ठीक है, तो ये मैंने कहा ये क्लियर हम कर रहे हैं। अच्छा महम, हम बात कर रहे थे क्योंकि खाना पकाने का शो है तो हम बनाने जा रहे हैं इस वक्त चपली कबाब। हम बनाते हैं जबरदस्त, बहुत अमन अमान के साथ। yes. बहुत पीस के साथ एंड सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी होता है। पता है मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो स्पाइसेस है ना उनके अलावा खाने में बहुत जरूरी है मोहब्बत का डलना, तभी टेस्ट आता है। बिल्कुल, क्योंकि खाने की असल एसेंस ही जब आती है जब आप उसको मोहब्बत से बनाएं, उस अच्छी सोच के साथ बनाएं। एग्जैक्टली, तो मैं पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ सब दोस्तों को, उसके बाद मैं कबाब बनाऊंगी और फिर आपके साथ गप्पे लड़ाएंगे हम। yes. बहुत सारी, ठीक है। सो बहुत आसानी से माहम जो है बहुत प्यार से आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की, माहम ने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की, बहुत सारे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की जो आज इस सोसाइटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एनजीओ का एक ऐसा हिस्सा है जो ज़िंदगी में लोगों को और कुछ नहीं लेकिन बहुत सारा मोहब्बत जो है वो बांट रहे हैं, बहुत सारे पीस जो है वो कन्वे कर रहे हैं, वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और बात चूँकि महम होती है कि हमारे प्रोग्राम जो है तो खाना पकाने का प्रोग्राम, लेकिन इसके अंदर हमारे पास तमाम शोबा है ज़िंदगी से ख़वातीन के कॉल्स आते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ईमेल्स चूँकि जा रहे हैं। मेरा इंटरेक्शन पिछले 8 साल से मैं टेलीविज़न की एक हिस्सा हूँ तो ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो ख़वातीन मुझे कुकिंग एक्सपर्ट समझ के शेयर नहीं करती बल्कि अपनी दोस्त समझ के शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम जो ये पीस की बात कर रहे हैं तो हम पीस विद इन कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल फरा, बिगनिंग ही वही है, आप अपने अंदर से हर चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने अंदर वो शिफ्ट नहीं लेकर आएंगे, वो तब्दीली अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली मतलब उसके बाद आपका घर आता है, आपके बच्चे और आपकी फैमिली एंड देन द होल सोसाइटी। एग्जैक्टली, सो हम इसके बारे में बिल्कुल अभी बात करते हैं महम, लेकिन पहले हम बात करते हैं चपली कबाब की क्योंकि सब मुंतजर है रेसिपी के। तो मैं बताती चलूंगी, मेरे पास 500 ग्राम आज मैं चपली कबाब बना रही हूँ महम, चिकन विंग्स के साथ। आप मटन से भी बना सकते हैं दोस्तों, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं चिकन से बना रही हूँ। 500 ग्राम जो है मैंने चिकन का मिंस ले लिया है और इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है डाल रही हूँ ऑयल। अच्छा, जनरली चपली कबाब के अंदर चर्बी डाली जाती है जो कि असली चपली कबाब होते हैं, तो चूंकि मैं असली नहीं बना रही, थोड़े से नकली बना रही हूँ, वो वाले नहीं बना रही कि जिसमें मैं दुम्बे के गोश्त या वो मटन के साथ बीच में बहुत सारी चर्बी डाल के बनाऊँ, तो मैंने तेल डाला है, ये बहुत ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए। हमारे साथ राबिया मौजूद है, उनसे बात करते हैं और फिर इसके मसाले आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम राबिया। जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से राबिया? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी राबिया? आप बहुत प्यारे, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। आप लोग भी बहुत प्यारे हो ना जी। आप मुझे ना वो मटन कबाब बना के खाए। क्या चीज? मटन जी, मटन कबाब। Yes. अच्छा, तो आप यही जो मैं कबाब जी बना रही हूँ राबिया, तो आप ऐसे करें कि इसको आप मटन में बना लें तो ये मटन कबाब हो जाएंगे चिकन कबाब के बजाय। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब करना हमने ये है कि 500 ग्राम चिकन मिंस में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद पता है हम क्या करते हैं, हम डालते हैं इसमें कुटा हुआ ये साबुत धनिया है तो 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल लेते हैं। ठीक है, कुटा हुआ जीरा है ये भी 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल लेते हैं, डिपेंड करता है कि कितने स्पाइसेस लोगों को चाहिए, तो ये ज़रा थोड़ा स्पाइसी होता है तो उसी हिसाब से डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून अनारदाना भी डाल लेते हैं,
एक टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल लेते हैं. अच्छा, इसमें सब चीज़ें कुटी हुई जाती हैं, फिर उसका असल फ्लेवर तब एग्जैक्टली. और जनरली जो असल में पठानों के यहाँ जो चीज़ें खाई जाती हैं ना, तो वो नेचुरल तरीका होता है, बिल्कुल देसी तरीका होता है. तीन हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं बारीक कटी हुई. एक कप कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं दोस्तों. उसके अलावा दो टेबल स्पून हम डालते हैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, कद्दूकश किया हुआ अदरक तकरीबन हम इसमें डाल लेते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून, ठीक है. उसके अलावा हम इसमें डालते हैं नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच. और उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा. अब ये कॉर्नफ्लावर जो होता है ना, ये माम रिफाइंड फॉर्म है मकई के आटे की. तो मैं जो है ये ज़रा, क्योंकि अंग्रेजी स्टाइल में बना रहे हैं हम शहर में, तो हम ये डाल लेते हैं. आप मकई का आटा डालना चाहें तो आप बिल्कुल वो भी डाल सकते हैं. तो आधा कप के करीब जो है हम ये डाल लेते हैं. इसको मिक्स करके फिर इसमें हम अंडे डालेंगे और इसके हम कबाब जो है वो बनाना शुरू करेंगे और उनको सिंपली फ्राई कर लेंगे. कितनी आसान रेसिपी है, ज़बरदस्त है ना. यस. अच्छा, हमारे साथ पता है मिसेस हारून भी मौजूद है, हमारे रेगुलर कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिसेस हारून. वालेकुम अस्सलाम. खला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? क्या हाल है? सादिया खैरियत से? बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मजे में. आप बताएं क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद फोन किया. मैं बस हर दफा कोशिश करती हूँ फला, लेकिन अब तो इतना लोड होता है आपकी कॉल्स पर कि कॉल ही नहीं मिल पा रहा. आई नो, ये तो है गए जमाने वो जब हम रोज बातें किया करते थे फुर्सत के लम्हे. फुर्सत के लम्हे. फला, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने अभी इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है. जी जी. मैं यूजुअली बनाती हूँ इसमें बेसन डालती हूँ. अच्छा ठीक है. तो वो भी जैसे कभी कॉर्नफ्लोर. अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ सादिया, बेसन जो होता है ना वो डिफरेंट कबाब्स में डलता है, लेकिन जो टिपिकल चपली कबाब होते हैं ना उसमें बेसन नहीं डलता, उसमें मकई का आटा ही डलता है. हाँ हाँ ठीक है. वो यहाँ कॉर्नफ्लावर डलता है. कॉर्नफ्लावर क्या है? कॉर्नफ्लावर यानी कि मकई का आटा, लेकिन सफ़ेद है, रिफाइंड शक्ल होती है, शहरों में मिलती है. अगर आपको चक्की का मिलता है जो सही वाला कॉर्नफ्लावर होता है यानी रिफाइंड नहीं होता, तो आप वो भी डाल लें, वो उसको डालना चाहिए, उससे अच्छा फ्लेवर आता है. ठीक है. ओके ओके सारा. थैंक यू सो मच. अल्लाह ऑफिस. अच्छा जी, अब मैम ये है कि हम इसके अंदर दो अंडे मैंने डालिए हैं, इनको मैं ज़रा हाथ से मिक्स करती हूँ और हम इसके बनाते हैं कबाब्स. और अब हम जी, अच्छा, और अब आप मुझे बताएं कि ये पीस कीपर होना जो है ये क्या है नाज़िया? फरा, बेसिकली हम जब बात करते हैं कोई भी चेंज अपनी सोसाइटी में लाने के लिए, तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि किसी भी चेंज की शुरुआत आपके अपने अंदर से होती है. बिल्कुल सही है. ठीक है. अगर आपके अपने अंदर वो सुकून नहीं है तो आप अपने घर में वो सुकून कैसे लेकर आएंगे? बिल्कुल. और हर चीज़ का, मैं कहती हूँ हर बीमारी का, और इस वक्त आप अपने सराउंडिंग में भी जितनी डिस्टर्बेंस देख लीजिए, उसका भी रूट कॉज है आपके अंदर की डिस्टर्बेंस. सही है. तो हमें सबसे पहले ये देखना है या इस बात का सलूशन निकालना था कि वो अंदर की डिस्टर्बेंस को कैसे ख़त्म किया जाए. सही है. किस तरह से हमारा दिल और हमारा जहन जो है वो उस सुकून की कैफियत में आ जाए, जो कि बेसिकली एक नेचुरल चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने आपको जिस फॉर्म में क्रिएट किया है, जो आपका असल है, बिल्कुल वो है पीस. बिल्कुल. ठीक है. और आपकी गलत सोच के अंदाज की वजह से वो खराब हो जाता है. सही है. तो हमें ये इस बात पे एफर्ट करनी है कि किस तरह से हम अपनी सोच को पॉजिटिव करें और अपने अल्फाजों को पॉजिटिव करें और उसके जरिए से अपने दिल में वो सुकून लेकर आए और अपने जहन में. अच्छा, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होगा? मतलब ये कि हम अपने अल्फाज और अपनी सोच को, ज़ाहिर है मैं तो जानती हूँ क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आएं. क्योंकि वही मैं अभी प्रोग्राम में इंट्रो में भी बात करी थी, इतनी इतराफ़ में, इन्वायरमेंट में, हर लिहाज से आप सोशल हालात देखें, डोमेस्टिक वॉयलेशन हमारे अंदर ज़्यादा है ख़वातीन के साथ, उसके अलावा जो है फाइनेंशियल क्रंच से ख़वातीन जो है वो, चूँकि शौहर हजरात मुतासर हो रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी तरह ख़वातीन मुतासर हो रही होती हैं. सास नंदों के मसाइल हैं, स्टूडेंट्स को आपस में कलीग्स के मसाइल हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के लिए यू नो जड़ें काट रहे होते हैं सारे. तो ऐसे इतनी नेगेटिविटी के अंदर जो है पॉजिटिविटी किस तरह लाई जा सकती है? देखो फरा, मैं हमेशा जब भी किसी को ट्रेन करने जाती हूँ तो मैं उससे यही कहती हूँ कि देखो कोई मैजिक या छू मंतर नहीं एकदम से हो जाएगा कि मैंने तुम्हें कह दिया और हो जाएगा. एग्जैक्टली. मैं अगर किसी को भी, आप किसी के पास भी जाते हैं, रास्ता आपको वो दिखा देगा, लेकिन जब तक उस पर
चलोगे नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, उसमें आप की कोई छूट नहीं है, सही है। तो और फिर ये मैं ये कहती हूँ कि इतने सालों की जो आपकी वो है नेगेटिविटी है और सोच है और पूरे माशरे का एक लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया कि हम हर वक्त क्योस में रहते हैं, बिल्कुल सही, हर वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ मतलब हजारों चीजें चल रही होती हैं, जहन में थॉट्स चल रही होती हैं, दिल अंदर से इमोशंस जो है वो बहुत एनर्जी लेवल डाउन हो गया और इसने ये कह दिया तो बुरा लग गया और उसको आप अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं शिकायत कंप्लेंट्स। तो इतनी सारी चीजें हैं फरा के एक एक टॉपिक जो है ना इसका मैं कहती हूँ बड़ा ही वास्ट है, लेकिन हाँ ये कहती हूँ कि छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने अपनी लाइफ में देखा है और अभी जैसे तुमने जब शुरू किया है तो और द मोर यू बिलीव द मोर इट वर्क्स एग्जैक्टली। लेकिन हम जो है बहुत आसान और आम फहम लैंग्वेज में जो है मेरे ख्याल में अगर हम इसको समझाने शुरुआत करें हम बताना चाहें तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो तरीकेकार है वो ये है कि आपने अपने अंदर को बदलना है। अपने अंदर को कैसे बदलना है, लोगों के लिए जो गम गुस्सा तकलीफ और शिकायत है थोड़ा सा वो कहते हैं ना फॉरगिवनेस लेकर आए, माफ करने की जो है सलाहियत अपने अंदर लेकर आए, ठीक है, क्योंकि देखिए बदला असल जो है वो अल्लाह ताला लेने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आपको करना होगा, उसके बाद आपने अपने थॉट्स को किस तरह से पॉजिटिव करना है हम आपको पूरी पूरी इसकी ट्रेनिंग देंगे, पूरे पूरे सेशन हम इंशाल्लाह इसके बारे में करेंगे। आज तो ये एक तारुफी प्रोग्राम है लेकिन इस तारे हमारा गपशप सेशन है, बिल्कुल गपशप सेशन है। बेसिकली मैं इसको बहुत आज मुश्किल और बहुत साइंटिफिक नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन कल जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी और वो बात ये थी कि हमारा जो दिल है वो सिर्फ धड़कने के लिए नहीं है, हमारा दिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट खून पंप करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा दिल जो है वो अच्छे इमोशंस मोहब्बत बांटने के लिए है। और दिल से ही होती है ना मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल फरा। और इसी तरह से छोटी छोटी खुशियों से आप अपनी लाइफ को फुली जी सकते हैं, अपनी छोटी खुशियों को शेयर करके बढ़ा सकते हैं और यही मैं कहती हूँ असल जिंदगी है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको विथ प्योरिटी आपको क्रिएट किया है, आपने करना ये है कि आपने अपने असल की तरफ जाना है, जितना अपने जहन को प्योर कर लेंगे आपका ऑटोमेटिकली आपका जो सराउंडिंग है वो आपका रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल अंदर से डस्टिंग कर लीजिए सफाई कर लीजिए और हीरा निकल आएगा, बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि अंदर से डस्टिंग करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को ठीक करना दोस्तों क्रिटिसाइज उस पे करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद पे करना और फिर उसकी इसलाह करना सबसे मुश्किल है। हम अभी आपको बताते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, चप्पल कबाब जो है मैं बना रही हूँ और उसकी शक्ल जो है वो गोल नहीं होती, वो थोड़ी सी इस तरह की होती है जैसे चप्पल का पतावा होता है तो इस तरह से होती है। तो ये बन रहे, एक ब्रेक का टाइम हो गया, झटपट सा एक ब्रेक लेकर आए, मुझे ज्वाइन करें, आप जानते हैं जायका इसी में है।